हम लोग स्मॉल, ये दोनों हमारे प्रिपेयर हो गए। हाँ, दोनों प्रिपेयर हो गए। ये वाला पनीर पटाखा है, ये पनीर पटाखा है। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक नए फ्रेश व्लॉग में। सो जैसे बताया था, स्ट्रीट फूड कवर करेंगे। तो एक न्यू पिज़्ज़ा की एक शॉप ओपन है जो कि मैंने टेस्ट कर रखा है, तो मुझे लगा कि आपको व्लॉग में दिखाना चाहिए। टेस्टी पिज़्ज़ा, एकदम माउथ बटरिंग वाला सारा। सो एक बार सारी चीज़ें दिखाते हैं। बाकी जो शॉप है ये JKM डोमिनोज पिज़्ज़ा, इसका मैं एड्रेस बता देता हूँ एक बार भैया से। भैया इसका एड्रेस अगर कोई आना चाहे तो कैसे आ सकता है? मेन स्कूल रोड मीठापुर। हाँ, मेन स्कूल रोड, ये एक नंबर स्कूल है। हाँ जी, एक नंबर स्कूल के अपोजिट, ये गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे सब जस्ट पास में ही है। ठीक है, बाकी इसकी पूरा, हाँ सामने इनके हनुमान मंदिर है ये पूरा। सो कोई भी आ सकता है इजी तरीके से। बाकी इसकी मेन आपको पूरा वो दिखा देते हैं प्रिपरेशन। सो मिलते हैं भैया से, ये सारा प्रिपरेशन यहाँ का यही कर रहे हैं। सो भैया अभी जैसे कि आपका लास्ट वहाँ थे, कहीं और ही था, ये मेन रोड पे था, तो अब यहाँ पे आया। सो आपके कौन कौन सी वैरायटी है आपके पास, और क्या क्या पिज़्ज़ा के अलावा भी कुछ आपको अलग अलग मिलता है? यस सर, हमारे पास ना बस जैसे एपेटाइज़र भी है, जैसे सुप्रीम गार्लिक ब्रेड एंड रोल है, जावा रैप रोल है, और क्या नाम है, और क्या नाम है इसका, हमारे पास चाउमीन है, ठीक है, और क्या नाम है, तंदूरी मोमोज हैं, और हमारे पास पास्ता है, यमी पास्ता सैंडविच। आज हमें क्या खिलाने वाले हैं आप? आज आपको स्पेशल पिज़्ज़ा खाएंगे आप, डॉम्स का पनीर पटाखा। दिस इज वेरी डिलीशियस ऑफ पिज़्ज़ा। दिस इज अ पिज़्ज़ा, इज अ मेकिंग ऑफ पिज़्ज़ा, दिस टू टाइप ऑफ सॉस एंड अ मसाला एंड पिज़्ज़ा सॉस। ओके, दिस इज वेरी डिफरेंट। तो आपका ये वाला पूरा मैंने चार्ट देखा था, सो इसमें से पनीर पटाखा वाला ये आपका फेमस था, और सबसे लोएस्ट आप बता रहे थे कि ये 59 का है। 59 का, बट नाउ 59, दिस इज द मेंटेन ऑफ द क्वालिटी। ओके, मेंटेन ऑफ द क्वालिटी, द कस्टमर इमेजिन कर लेता है इससे। मैं 59 से ही इमेजिन कर लेता है कि इसकी क्वालिटी बेस्ट है। ठीक है, अगर नॉर्मल अगर कोई किसी को बुक करना है तो एवरेज जो रहेगा कि ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े पॉकेट पे और टेस्ट भी ठीक रहे, कौन सा ठीक रहेगा? बिल्कुल नॉर्मल, अगर जैसे बजट नहीं है उसका तो 59 वाला भी ले सकता है, उसमें अपना पार्टी एंजॉय कर सकता है। ओके, ठीक है, 59 में स्टार्ट। तो हम ये दोनों ट्राई करते हैं। हाँ, बाकी इसका पूरा प्रिपरेशन दिखाएंगे। बिल्कुल, आप देखिए कैसे बनता है। और एक्चुअली आप बेसिकली हम लोग वी आर गिविंग टू द डाइनिंग द पिज्ज़ा द पनीर पटाखा स्मॉल, ओके, द 6 स्लाइस ऑफ द सर्विंग हियर, ठीक है। तो एक्चुअली यहीं पे हम इसको डाइनिंग में थोड़ा बड़ा बना के देते हैं। बाय द वे, इनफैक्ट अगर कस्टमर इसको मांगता है दोबारा तो उस बॉक्स के हिसाब से 7 इंच का 4 स्लाइस में जाता है। ओके, ठीक है, जो जो कस्टमर की डिमांड रहेगी उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर देते हैं बस। हाँ, क्योंकि एक्चुअली हम डाइनिंग में ही पनीर पटाखा स्पेशल बड़ा बना के देते हैं। ठीक है, तो इनका पूरा ये सिटिंग प्लान है पूरा इनका ये, ठीक है। और ये मैम भी खा रहे हैं, तो टेस्ट वगैरह बता देंगे। मैम कैसा है खाने में? बहुत अच्छा है। कैसा है मैम? तो रिव्यू भी अच्छा मिला है, बाकी प्रिपरेशन आपको पूरी दिखा देते हैं। बिल्कुल, दिस इज अ पनीर पटाखा बेस, दिस इज पनीर पटाखा बेस हमारा, पटाखा बेस है ये, 6 स्लाइस में यहाँ पर सर्व होगा। तो ये सारा आप ही प्रिपेयर करते हो कि ये सारा सर हम खुद ही बनाते हैं? अच्छा, सारा ऑपरेशन मैं ही हैंडल करता हूँ। फीडबैक तो हमें मिल ही गया ऑलरेडी। बिल्कुल, ताकि ये डाइनिंग में है, हमारा जो रेगुलर साइज है हम इसको 8 इंचज में देते हैं। अच्छा, वैसे 7 इंचज हमारा रेगुलर साइज है। इसकी जो क्रस्ट है, क्रस्ट पे हम थोड़ा ऑयलिंग करते हैं क्योंकि कस्टमर को बहुत सॉफ्ट लगे खाने में। ये प्योर मैदा ही होती है ना? ये प्योर मैदा होता है। इसमें मिक्स करते हैं हम कॉर्नफ्लावर थोड़ा। ओके, क्योंकि कॉर्नफ्लावर से मतलब काफी स्मूथ टेस्ट आ जाता है। ये सॉसिंग है, ये क्या बताया आपने? मसाला सॉस। तो नॉर्मल के हिसाब से ही है ये। तो इसमें लोगों की रिक्वेस्ट रहती है जैसा भी वो। हाँ, अगर कस्टमर स्पाइसी मांगता है तो उसको स्पाइसी दे देते हैं। ओके, बल्कि डिपेंड करता है। और बाकी वैसे भी ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स तो होते ही हमारे पास, वो उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसके अंदर टू टाइप ऑफ चीज आती है, एक जाता है चीज ब्लेंड और मोजरेला। ओके, अभी सबसे पहले हम इसकी ड्रेसिंग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं चीज ब्लेंड से। बहुत बढ़िया, ठीक है, स्कॉटिश पनीर जाएगा पहले फर्स्ट। हाँ, अब यहाँ से जो लेयर हैं वो सारी स्टार्ट कर देंगे हम। स्टार्ट कर देंगे हम प्रायोरिटी इसकी। ये ऑनियन आपने, ये ऑनियन डाला हमने, ये इन्होंने टमाटो डाला मैंने, डाइसेस टमाटो जाते हैं इसके ऊपर। फिर मेकिंग अगेन, ऊपर से ये आएगा चीज ब्लेंड, देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है एकदम शानदार।
थैंक यू सर। और इसके अपन मोजरेला चीज़ जाएगा, मोजरेला चीज़ गई, हाँ मोजरेला चीज़ गई है। चलेगा मोजरेला चीज़ और ये लोड होगी अंदर ओवन के। अभी इसमें कितना टाइम लगता है, कितने टाइम बाद? हार्डली सेवन मिनट्स। सेवन मिनट्स मतलब बाकी इसको प्रिपेयर होने देते हैं। 2000 years later हम लोग स्मॉल, ये दोनों हमारे प्रिपेयर हो गए। हाँ दोनों प्रिपेयर हो गए। ये वाला पनीर पटाखा है, ये पनीर पटाखा है। डाइनिंग में 6 slices भी सर्व होता है। ये वो पनीर पटाखा, पनीर पटाखा जो कि फेमस है, फेमस है बहुत। और ये 99 वाला पिज़्ज़ा, तो डिपेंड करता है कि जो कस्टमर टॉपिंग मांगता है हम उसको वो दे। ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी कस्टमर हमारा सेटिस्फाई रहना चाहिए, हमें बस वही चाहिए। बाकी देखने में बहुत अच्छा लगा, खा के टेस्ट करते हैं। बाकी डेफिनेटली मुझे भी उम्मीद है कि अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। बाकी मैं टेस्ट करके बता देता हूँ। मैंने एक बाइट ली, गरम हो गया, बहुत बढ़िया, आउटस्टैंडिंग है, जितना सोचा था उससे कई लेवल अप है, बहुत बढ़िया। बाकी एक बार भूषण ट्राई करके बताएंगे। नो इट्स माय टर्न। ये गरम बहुत है। पिज़्ज़ा खाने का जो मेन मज़ा है वो गरम में ही है। कैसा लगा भूषण? वाह अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ आए ट्राई करें। तो बिल्कुल नियर बाय है, सो जो आसपास रहते हैं वो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। पिज़्ज़ा की क्वालिटी थी वो A1 थी, टॉपिंग्स बहुत ज़्यादा थी और वेजिटेबल्स भी काफ़ी बहुत ज़्यादा ही क्वांटिटी में थी। इवन जो टॉपिंग्स थी वो भी एक्स्ट्रा थी और चीज़ तो आउटस्टैंडिंग था ही। मतलब वो एक जो हमारा जो पनीर पटाखा वाला था, पनीर पटाखा ना, पनीर पटाखा आउटस्टैंडिंग था। तो मतलब हम दोनों पे वो फिनिश होना भारी हो गया। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा अच्छा लगा। तो ये पूरा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। बाकी जो पिज़्ज़ा लवर आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताओ। लोकेशन तो भैया ने बताई दी थी, भैया क्या एक बार अगेन बता दो मुझे लोकेशन। ये जो स्कूल मेन स्कूल है, हाँ बदरपुर में स्कूल रोड पे, हाँ ठीक है वहीं पे। और हनुमान मंदिर जस्ट बिल्कुल सामने है। A1 एक्सपीरियंस था, फूड वगैरह एकदम अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मैंने प्रोफेशन देखा भी। सो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा अपने दोस्तों को। और प्लीज़ यहाँ पे अगर नियर बाय हैं तो आ सकते हैं यहाँ पे। ये इनका पूरा जो मिलेगा JKM डोम्स पिज़्ज़ा के नाम से मिलेगा आपको। ये इनका बताया था कि सबसे मिनिमम भी है और आप जैसे होंगे और अच्छा आपको पिज़्ज़ा की क्वालिटी और मिलती रहेगी। क्वालिटी तो 59 में भी जो बता रहे थे वो जो नॉर्मल है वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे से वीडियो में, ठीक है।